तेरी द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति की गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। फरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। फरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमो जीवन वरदान तेरा, अनमो जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति की गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। आए हैं दीन दास हैं हम, आए हैं दीन दास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहजीर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पास जो भी विश्वास से आए वे सब यीशु का अनुग्रह एवं चंगाई पाए हैं। आज हम इस वेदी के पास आए हैं प्रभु की आशीष पाने के लिए। विश्वास और भक्ति के साथ हम इस मिसा बलिदान में भाग लेंगे और अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और होठों पर हो ताकि आप योग से ईश्वर की वाणी सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, नबी सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 9-10, 14, 24-25, 30-32 और अध्याय 19, पद संख्याएं 1-3 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हाय मेरे पुत्र अब्सलोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अब्सलोम को देखा। जिस खच्चर पर अब्सलोम सवार था वह एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अब्सलोम का सिर
बलूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अब्सलोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अब्सलोम को एक बलूत से लटकता हुआ देखा। योआब ने 3 भाले ले लिए और उन्हें अब्सलोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बलूत से लटक रहा था। दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था, एक पहरेदार दीवाल के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी और राजा ने कहा, उधर जाकर खड़े रहो, और पहरेदार ने वही किया। तब कूशी के पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपका न्याय किया है और आपको उन सबों के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कूशी से कहा, क्या नवयुवक अब्सलोम सकुशल है? और कूशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो और उन सबों को भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अब्सलोम, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र अब्सलोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अब्सलोम मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अब्सलोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजय उल्लास शोक में बदल गया। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास को बचा। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, हम पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। जय घोष, आलेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 वाक्यांश 21 से 43 तक। जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जायरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह चंगी हो जाए
और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिर पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति ग्रहण कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहां से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहां पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिथाकुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई ना जाने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के दो चमत्कारों का वर्णन किया गया है। एक, प्रभु यीशु को जायरुस की बेटी को जीवन देते हुए हम पाते हैं। दूसरा चमत्कार में रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को
प्रभु यीशु चंगाई देते हुए। ये दोनों चमत्कार में कुछ बातों को हम देख पाते हैं। रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री 12 साल से उस बीमारी से पीड़ित थी और जायरुस की बेटी 12 साल की थी जो मर गई थी। ये 12 उसका प्रतीक है कि प्रभु हमें संपूर्ण जीवन देता है। 12 पूर्णता का एक प्रतीक है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस स्त्री को, जिनको समाज में आना, लोगों के बीच में आना उस समय मना था, प्रभु यीशु उन्हें समाज में वापस पुनः जाने के लिए उनके लिए उन रास्ता खोल देते हैं। उसी प्रकार 12 साल की उस बेटी को जीवन देते हुए वापस लोगों के बीच में प्रभु यीशु उन्हें लाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं दोनों चमत्कारों में, किस प्रकार लोग यीशु की बातों को आसानी से लेते हैं या उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब यीशु को मालूम पड़ा उस रक्तस्राव पीड़ित स्त्री उनका छूने से यीशु के शरीर से शक्ति निकल गई है और प्रभु यीशु शिष्य लोगों से पूछते हैं किसने मुझे छुआ है, शिष्य लोग उसको हल्का में लेते हैं, कहते हैं इधर तो बहुत सारे लोग हैं, पूरी भीड़ की भीड़ आप पर गिर रही है। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु जायरुस के घर गए, वहां के लोगों का रोना देखकर यीशु कहते हैं ये बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। लोग यीशु की उस बात को हल्का से लेते हैं या उन पर हंसते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु के बातों को इतने आसानी से लिया, गंभीरता से नहीं लिया, बाद में उस चमत्कार को देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। लेकिन दो ऐसे व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु को गंभीरता से लिया, यीशु के वचनों को गंभीरता से लिया, प्रभु यीशु की शक्ति को गंभीरता से लिया, जायरुस और उस रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री। जायरुस को मालूम था कि प्रभु यीशु उनके बेटी को ठीक कर सकता है, जीवन दे सकता है। रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को मालूम था कि प्रभु यीशु के कपड़े पर छूने से भी उनको चंगाई मिल सकती है। प्रिय भाई और बहनों, क्या हम यीशु को, यीशु के वचनों को अपने जीवन में गंभीरता से लेते हैं? अगर हम यीशु के वचनों को, यीशु के कार्यों को अपने जीवन में गंभीरता से लेंगे, हम भी अपने जीवन में प्रभु के चमत्कार को देख पाएंगे। मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए है ग्रहण करो हे प्रभु। ताकस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह के संग, हर्षित आते हैं ग्रहण करो प्रभु। हम सब जन को इन उपहारों के संग ग्रहण करो प्रभु, हम सब जन को इन उपहारों के संग तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। रंग बिरंगे सुमन तुझको चढ़ाते हैं, स्वर भरे फल ये
अर्पण करते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाई है ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधील तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधील जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग ते रही मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। आनंद मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता है।
रही मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे कहूँ मैं धन्यवाद, उपकार किए प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।